रिटायर्ड महाराज जी, हम लोग आजकल दुकानों में, घरों में, कार्यालयों में नींबू मिर्ची लटका कर रखते हैं, तो क्या यह जैन धर्म के अनुसार उचित है या अनुचित? सर्वथा अनुचित है, नहीं करना चाहिए। कोई करता है तो उससे डरना नहीं चाहिए, और डरते हो तो वह आपके लिए मानसिक संकलेश दे सकता है। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तंत्र विद्याएं जितनी हैं इनको स्वयं कभी करना नहीं, दूसरा करे तुम्हारे ऊपर तो कभी डरना नहीं, और उसको जितना आप अपमानित कर सकते हो उतना अपमानित करिए। तंत्र विद्याएं दो होती हैं, एक विद्या वो होती है जो धार्मिक होती है, विकासशील होती है, धर्म के माध्यम से। इतने भी अपन कार्यक्रम करते हैं, गंडा बांध दिया आपको 10 दिन के लिए, फलपद्र मंडल विधान है, ये तंत्र विद्या कर दिया आपको, आपको 10 दिन के लिए संकल्पित कर दिया मन से, शरीर वही है, सब कुछ वही है। मंगल कलश की स्थापना अपन ने की, तंत्र विद्या है। दीप पूजन करते आप प्रतिदिन, क्या है? तंत्र विद्या है। दीप तो कई प्रकार के जलते हैं, लेकिन अब तुमने फंक्शन पर दीप जलाया, वही हम कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं इसलिए दीप, तो ये दीप तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। ऐसे 24 घंटे में हमारे जीवन में तंत्र विद्या बहुत आती है, लेकिन जो डरावनी तंत्र विद्या है, जो हमारे विनाश करने वाली है, इसका एक ही साधन है कि इसका जितना तुम निरादर करोगे वह उतने ही, तुमने उससे डर गए, एक्सेप्ट कर लिया और भयभीत हो गए तो वो आपके लिए परेशान करेंगे। इससे नींबू मिर्ची जब भी तुम्हारे यहाँ कोई डाल जाए तो चमके उसको, लाल जूते तो पहनते हो तुम लोग, तो जूते पहन करके उसको कुचल देना, कब भी करना नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तुम डर लगे तो मेरा नाम ले देना, तुम राजू का नहीं करना। हाँ, मेरा जो चिंता, जहाँ चाहो जहाँ तुम्हें डर लगे, मेरा नाम काफ़ी है, मेरे बहुत नेटवर्क है ऊपर तक। अरे आप लोगों कभी कोई गड़बड़ हो गया, ध्यान रखना, तुझे मालूम नहीं मेरे। अरे तुम लोग बिहार में करते हो, यदि तुम्हारे कोई रिश्तेदार में कलेक्टर हो, तुझे मालूम नहीं मैं किससे संबंध रखता हूँ, मेरे बोले ऐसे कहते हो आप लोग, कहते हो अरे मालूम नहीं तुझे, हमारे कुमार साहब एसपी है, हमारा फलाना है, ऐसे कहते, ऐसे यहाँ किया करो, जहाँ तुम्हें डर लगे वहाँ तुम, अरे सावधान, तुम मालूम मेरा गुरु कौन है, वहाँ जितने बहुत है। मैं शिवरात्रियों को भी खूब जम के कहता हूँ कि आप डरो मत, शिवरात्रि घर में कभी भूत नहीं आ सकता, शिवरात्रि को कभी भूत नहीं लग सकता, और आप लोग भी यही तो सम्यक दर्शन है, निशंक तंग क्या है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने यही तो कहा, इदमे वो दृश्य वो तत्व नान्यान शाम्य था, हित कंपाई शाम्भोवत सन्मार्ग संसार्थी, अपने आप में इतने दृढ़ हो जाओ कि कोई देवता भी तुम्हें भटकाना चाहे नहीं भटका सकते। रेवती रानी के लिए समूषण की रचना कर दी, सारे देवता उतर के आ गए। रेवती रानी कहती है कि तुम मुझे कितने रोक दो, लेकिन समूषण तो 24 ही थी तो 24 ही रहेंगे, अगर 25वां तो है देख लो क्या कमी है, बोले कमी हो या नहीं हो समूषण तो 24 ही थी। कोई नहीं लगा, फिर बाद में देवताओं ने क्षमा मांगी और कहा दृढ़ रहो अपने धर्म पर, अपने सिद्धांत पर, अपने गुरुओं पर, जब तुम्हें कभी भी तुम्हें डर लगता है तो समझ लेना चाहिए तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे भगवान के प्रति श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमजोरी है।